राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री राजश्री सचदेव का अभिनय करें जब ऊंचाइयों पर था, तभी उन्होंने अभिनेता वरुण वरदोला के संग विवाह कर अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन उसके बाद वह पारिवारिक व बेटे की माँ की जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार काम करती जा रही हैं। कुछ समय पहले फिल्म चिड़ियाखाना में अपने दमदार अभिनय से लोगों का मन मोह लिया था। बहुत जल्द वह दो फिल्मों व एक वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं। फिल्म संगम चैनल पर इसी संदर्भ में राजश्री सचदेव ने खुलकर बातचीत की। राजश्री जी, फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। जिस वक्त आप अभिनय कर रही थी और आपने शादी का डिसीजन लिया, उस दौर में कहा जाता था कि शादी के बाद करियर खत्म, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैंने सोचा ही नहीं, मुझे लगा कि ये वक्त है और मुझे वो जिंदगी चाहिए जहाँ मेरे पास एक घर हो, एक बच्चे हो, सब हो, और मुझे लगा कि ये वक्त है। और मेरे घर से भी वो था कि मतलब किसी ने ये नहीं कहा कभी कि 18 में शादी करनी है, ना मेरे दादाजी ने कहा कभी ऐसे। उन्होंने कहा नहीं, अपना काम वाम करो, अपने पाँव जमाओ, फिर शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये भी पता था कि एक वक्त होता है, वक्त होता है। और अब उस वक्त के चलते किसी से भी शादी करना जरूरी नहीं होता, लेकिन जब वो वक्त होता है तो वो वक्त बन गया। वरुण मुझे मिल गए और यूँ लगा कि हम काफ़ी एजेस, आपस में अपनी जगह बनाने की लड़ाई नहीं है, तो बहुत एक जैसा है, सब कुछ है, बैकग्राउंड्स अलग हैं, बहुत अलग हैं, हम अलग जगह से आते हैं, बहुत अलग, लेकिन फिर भी देर इज अ बैलेंस। हम जिस तरह का परिवार उनका है, जिस तरह का, थोड़े एटलीस्ट परिवारों को साथ बैठ के ना उनके पास बात करने को है कुछ अगर मैं इस तरह से इस बात को रखूँ तो वरुण के साथ वो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि दोस्ती थी हमारी, एक दूसरे को हम कई सालों से जानते थे, लेकिन वही था कि आज मुलाकात हुई, फिर साल भर कहीं मुलाकात नहीं हुई, अब फिर इसी काम के सिलसिले में मुलाकात हो गई, या फिर कभी फ़ोन किया तो एक घंटा मुलाकात हो गई। तो तब तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन शायद जिसको जिस वक्त पे होना होता है तब होता है। फिर हमने फिर से हमारी मुलाकात हुई, हम एक फिल्म कर रहे थे साथ में, तो उस फिल्म के आखिर में पता नहीं बातों बातों से बात निकली कि करते हैं शादी में, कहा देखो भैया जाके पिताजी से बात कर लो, अगर वो हाँ कहेंगे तो हाँ है, नहीं तो नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि वो हाँ कहें और मैं ना कहूँ क्योंकि शादी तो मुझे करनी है। बहरहाल वो एक मजाक की बात है, लेकिन उस वक्त के लिए बहुत सीरियस बात थी, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं कि कभी मेरे माता पिता ने मुझे कोई राय दी और वो गलत साबित हुई, और ये बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि मुझे हाँ हर मुझे आई वॉन्ट टू सी हैप्पी फेसेस। और इसलिए नहीं कि हम दूसरों को खुश करने के लिए करें, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे लग रहा है कि ये सही है, बस वो एक बार बता दें तो मुझे यकीन हो जाएगा कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, सही है। मतलब कोई से किसी भी तरह ले सकता है, लेकिन हमारे लिए ये सही था क्योंकि हमने सब कुछ जिंदगी में साथ नहीं किया। उन्होंने कभी कोई लाइफ डिसीजन ऐसे नहीं लिए मेरे पेरेंट्स ने जहाँ पे उन्होंने हमको इन्वॉल्व नहीं किया होगा, या हमें सेंटर में रख के डिसीजन लिया होगा, या हमसे पूछ के लिया होगा, या जो भी रहा होगा, पर वो जाने अनजाने सबका डिसीजन होता ही था, जितनी भी अकल समझ हमारी हो। तो इतना बड़ा डिसीजन मैं अकेले लेने की इसमें थी, और मुझे लगा था कि ये सही है और उनको भी लगा सही है, दोनों तरफ एक जैसा माहौल था, तो शादी कर गए। क्योंकि ये भी तो पता था कि शादी के बाद थोड़ी कहीं गायब होना है, शादी के बाद भी तो यही करना है, तो वाई नॉट समबडी जो सामने से मतलब आए हैं और हाँ सामने से हैं, और वरुण और मेरी सोच भी एक जैसी है बहुत सी चीज़ों को देख करके, हम जिस तरह से काम करते हैं, प्रोफेशनल अप्रोच भी सिमिलर है हमारा, और हम दोनों के लिए परिवार भी बहुत ज़रूरी है। हम ये भी कभी एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं होता, जब हमें लगता है कि हम में से किसी एक को ये करना चाहिए तो दूसरा हिस्सा संभाल लेता है, तो वो तालमेल है, गाड़ी हम बैलेंस में चला लेते हैं। करियर पर क्या असर पड़ा था? मुझे नहीं लगता कोई बुरा असर पड़ा, मुझे नहीं लगता, जिस तरह का काम पहले आता था उसी तरह का काम बाद में भी आता था शायद पता नहीं, मुझे नहीं लगा कोई फर्क पड़ा, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि मेरे लिए करियर इम्पोर्टेंट है, था बहुत इम्पोर्टेंट है, आज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन करियर वर्ड नहीं बोलूंगी,
ये एक ऐसा काम है जो मुझे बहुत खुशी देता है और लोग इसके लिए मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, ये और भी खुशी देता है। तो इसको छोड़ना तो बेवकूफी की अपने आप को दुखी करने वाली बात है, लेकिन इसके साथ मुझे पता है कि मेरा घर है, परिवार है और हमने जिंदगी में हमेशा ना एक बैलेंस में काम किया है। बिना शादी, जब शादी नहीं हुई थी तब भी एक बैलेंस था लाइफ में, शादी के बाद भी वो बैलेंस क्रिएट करना पड़ा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सी आप पर हैं, लेकिन आप जिंदगी भी तो जी रहे हैं ना, तो आपकी जिंदगी में जो जो ऊपर उतार चढ़ाव आएंगे, जो मोड़ आएंगे, वो तो आपको करना ही है, तो काम तो साथ साथ में चलेगा ही, तो बस वही वाली बात है, अब दो लोग साथ में चल रहे हैं। अभिनय करियर, पत्नी की भूमिका, बेटे की माँ की भूमिका और परिवार की जिम्मेदारी कैसे संभालती है? हमारे पास उदाहरण बहुत अच्छे हैं लाइफ में, हमारे माँ बाप हैं, उनको हमने देखा है ना, जाने अनजाने हमें समझ आती है कि सबने किस तरह से किया। देखिए, और लाइफ में इस तरह की स्ट्रगल शायद मैं किसी और के लिए नहीं कह सकती, हर एक की लाइफ स्ट्रगल अलग होती है, उनके वर्टिकल्स अलग होते हैं, हमारे लिए हर एक चीज, हर एक पहलू इम्पोर्टेंट है और हम ये भी जानते हैं हम दोनों कि एक वक्त पे एक चीज इम्पोर्टेंस की, दूसरी जगह को फिर बैलेंस करना पड़ेगा। और अब तक इतना हमने सोचा नहीं है, हम इस चीज को दिमाग में रखते हैं ना, फिर चीजें आपको आप तालमेल में बैठ जाती हैं। बस अब तक टचवुड है मामला कि सब ठीक है, बाकी बहुत चैलेंजेस भी नहीं चाहिए हमें, ये ठीक चल रहा है सब। क्या है कि आप दो लोग समझदार हैं, बच्चा समझदार नहीं होता, उसकी अपनी डिमांड्स होती है, वो कैसे पूरी होती है फिर? जैसे कि भाई वो हमें, बच्चा हमेशा चाहता है माँ मेरे करीब रहे। मेरे बच्चे से जरा पूछ लो, पहले होता था मामा कब हो घर पे, कब हो घर पे, फिर कुछ देर होता कहते मामा कब जा रही हो। मैं स्ट्रिक्ट मॉम, वेरी स्ट्रिक्ट, मैं लल्लू चप्पू बड़ा करती हूँ, लाड़ प्यार भी बहुत करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन मैं आसान नहीं हूँ उसके लिए। मैं एक बहुत बड़ा वर्टिकल, मुझे हर कुछ दिनों के बाद मामा अच्छा जाओ अब काम पे। बट एक बहुत प्यारा बच्चा है घर में और पेशेंस मुझ में बहुत नहीं है, इस बच्चे ने आने के बाद काफी पेशेंस सिखाया है, लेकिन फिर भी बताऊं कि इतना पेशेंस मुझ में है नहीं, लेकिन अगर हम दोनों को खड़ा करें वरुण और मुझे, तो फिर मुझ में ज्यादा पेशेंस है। और फिर घर वालों का साथ है, देखिए हमारा बच्चा सिर्फ हम नहीं पालते, पूरा परिवार पालता है हमारे घर में, तो इसीलिए वो बच्चा भी पल जा रहा है, बढ़िया पल जा रहा है, तो ठीक है। राजू जी, फिल्मी संगम चैनल के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।